श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें।